तो भाई आज हमारे पास कॉस्मिक बाइट का बेस्ट सेलिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो अंडर 1500 रुपीस, कॉस्मिक बाइट ड्रैगन फ्लाई। अब तुम बोलोगे भैया नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, ये पहले भी आया था क्या? यस, ये पहले भी आ चुका है, लेकिन अब ये इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। इसके अंदर भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे दिया है कीबोर्ड और माउस दोनों के लिए, और जो इसका माउस है 1000 हर्ट्ज़ के पोलिंग रेट के साथ आता है। इंस्टेंट 8-5 गेमिंग ग्रेड सेंसर भी है भाई। 1400 रुपीज में कीबोर्ड भी मिल रहा है, फुल पैक्ड माउस भी मिल रहा है। अगर आपका बजट अंडर 1500 है और एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो आप देख रहे हो, तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं? डब्बा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, अच्छा खासा लंबा बड़ा डब्बा। इसके अंदर हमारे को मिल जाएगी सबसे पहले एक यूजर मैनुअल, और भाई ये आ जाता है हमारा कीबोर्ड, एंड एक मिल जाता है हमारे को इसके अंदर माउस। और भाई आप माउस देख सकते हो, लग रहा है कि 1400 में कीबोर्ड के साथ आने वाला माउस है, एकदम प्रीमियम प्रीमियम टाइप की फीलिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड हमारे को कुछ ऐसा मिल जाता है, टोटल ब्लैक कलर में हमारा कीबोर्ड है, और जो कीबोर्ड का बीच का ये फ्रेम है ना, ये एल्यूमिनियम एलॉय का है, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का यूज नहीं कर रखा है इन्होंने। बाकी पीछे से जो हमारा कीबोर्ड है वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिल जाएगा। यहाँ पे एलिवेशन के हमारे को क्लिप्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम कुछ इतनी हाइट हो जाती है हमारे कीबोर्ड, एंड यहाँ पे नीचे रबर ग्रिप्स भी हमारे को मिल जाएंगी दोनों तरफ। और ये हमारा फुल साइज का कीबोर्ड है, यहाँ पे नमपैड इंक्लूडेड है। तो अगर आपको GTA 5 में हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाना हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, थोड़ा हिसाब किताब करते हैं, तो वहां पे काम आ जाएगा। एंड यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर हमारे को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, जो हमारा एज अ मोबाइल होल्डर भी काम करता है। और भाई यहाँ पे दोनों कीबोर्ड माउस के साथ हमारे को ब्रेडेड केबल मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी खासी है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड में ऊपर हमारे को डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप गाना प्ले पॉज कर सकते हो, आवाज कम ज्यादा करनी हो, काफी सारे बटन है। अब भाई जैसे कि हमारा गेमिंग माउस है, गेमिंग माउस में वेट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे माउस इतने सारे फीचर्स के साथ आता है जो आपको इनिशियली बता रहा था, लेकिन वेट के मामले में अच्छा नहीं है। 100 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। तो अगर आप एक सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो ये माउस आपके कैजुअल स्पोर्ट्स आप करते हो, वैलोरेंट CS:GO वगैरह खेलते हो, उसके अंदर ठीक रहेगा, कैजुअली में इतना फर्क नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आप एक सीरियस स्पोर्ट्स प्लेयर हो, इसके अंदर आपके लिए मतलब फ्लिक शॉट्स, ये वो फास्ट मूवमेंट, तो उसके अंदर लॉन्ग सेशन गेमिंग में ये आपको हैवी फील होगा। और ये जो माउस है हमारा, टोटल 7 बटन माउस है। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड के 2 क्लिक्स मिल जाएंगे, 2 हमारे को DPI के बटन मिल जाएंगे, 2 हमारे मेन क्लिक्स हो गए, एंड मेन हमारा स्क्रॉल हो गया। और भाई मजे की बात, ये सारे बटन प्रोग्रामेबल है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, आगे बताता हूँ भी सारा कुछ। अब जरा की फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को कीबोर्ड में 19 की एंटी गोस्टिंग मिल जाएगी, तो आपकी कैसी भी फास्ट मूवमेंट है, ज्यादा बटन वगैरह आप दबा रहे हो, तो कीबोर्ड का कोई फेलियर नहीं होगा। और कीबोर्ड के अंदर हमारे को विंडोज लॉक की भी मिल जाएगी, जो आप FN+ विंडो दबा के एक्टिवेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी विंडो की लॉक हो जाएगी, गेमिंग करते हुए दबे ना, आपकी गेम मिनिमाइज ना हो, गुस्सा ना चढ़ जाए, वो चीज आप इसके अंदर बचा सकते हो। एंड बात करते हैं माउस की, तो भाई माउस के फीचर्स हैं मतलब जबरदस्त। 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट हमारे को यहाँ पे मिल जाता है, 60 IPS ट्रैकिंग स्पीड के साथ ये माउस आता है। एंड इस माउस के अंदर हमारे को हुआनो के स्विचेस मिलते हैं, और 5 मिलियन क्लिक्स गारंटीड, मतलब जो ब्रांड का कहना है। अब 5 मिलियन दबा के चेक करके अभी थोड़ी बता देंगे आपको। एंड ये माउस मिनिमम 200 DPI से लेके मैक्सिमम 12,800 DPI तक जा सकता है, जिसका प्रैक्टिकली कोई काम नहीं होता। यूजुअली 1600 DPI, मैक्सिमम 2000 DPI तक ही काम आता है। उसके ऊपर आपके DPI का भी काम आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इस माउस के अंदर हमारे को इंस्टेंट 8-5 गेमिंग ग्रेड सेंसर मिल जाता है, जो कि एंट्री लेवल वाला सेंसर है, लेकिन 1000 हर्ट्ज़ के पोलिंग रेट के साथ आता है। एंड ये भी बात कर लेते हैं इनके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई यहाँ पे कीबोर्ड हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, बेसिक कीबोर्ड है, यहाँ पे की प्रेस वगैरह ठीक ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती गेम वगैरह खेलने में, कैजुअल गेमिंग वगैरह आप करते हो। 1400 का कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है, तो क्या ही उम्मीद ज्यादा करेंगे इससे, मतलब जिस प्राइस पे आता है उसमें ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। मेनली आता है हमारा माउस, माउस की स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई वेट ज्यादा है इसका। मैं इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देख रहा था लंबे सेशन में, भाई मेरे को तो फील हो रहा था कि भाई माउस भारी है, और ज्यादा भारी माउस से मतलब वो वाली वाइब नहीं आ पाती। एंड इस माउस के अंदर कोई PTFE भी नहीं है, तो इतनी ज्यादा स्मूथ ग्लाइड वगैरह की उम्मीद मत करना। साथ में ब्रेडेड केबल है, जो खींचने में थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इस कॉम्बो से आप कैजुअल टाइप की गेमिंग कर सकते हो, स्टोरी टाइप की आप गेमिंग कर सकते हो, सीरियस ई स्पोर्ट्स गेमिंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, कैजुअल ई स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, आपने नया नया PC बिल्ड करा है, या फिर नया नया लैपटॉप बाय किया और आपको एक सस्ता कीबोर्ड माउस का कॉम्बो चाहिए फॉर योर सेटअप, तो ये उसके लिए गुड टू गो चॉइस है। एंड भाई जैसे कि हमारा गेमिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है, तो RGB के तड़के क्यों नहीं मिलेंगे? कॉस्मिक बाइट है भैया, चाहे सस्ता प्राइस हो, लेकिन RGB पूरी है। यहाँ पे माउस में आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉस्मिक बाइट के लोगो में RGB है, उसके ऊपर RGB की स्ट्रिप बन रखी है साइड में, एंड इसका जो स्क्रॉल व्हील है उस तक के अंदर लाइट है। एंड यहाँ पे जब हम DPI चेंज करते हैं, तो हमारे को डिफरेंट लाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। बाकी जो बेसिक लाइट इफेक्ट है वो इसका हम चेंज कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर में जाके। और यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर भी हमारे को दबा के इफेक्ट्स मिलते हैं, FN+1 से लेके FN+9 तक हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइक FN+7 तक तो हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं, मेन है भाई FN+8 पे जो इफेक्ट मिलता है भाई, ये है साउंड रिएक्टिव LED, जो मैं बोल रहा हूं इसकी लाइट जल रही है
और अब मैं नहीं बोल रहा था तो लाइट रुक जा रही थी। एंड भाई ये बहुत सही लगता है, लाइक आपने अपने सेटअप पे गाने वगैरह चला रखे हैं उसके अंदर इसकी लाइट्स रिएक्ट करती हैं और भाई लगती है वो बहुत प्यारी हैं। और इसके अंदर हम लाइट्स कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। FN+9 आप प्रेस करोगे यहाँ पे एक सिंगल कलर में लाइट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे FN+ arrow कीज से हम इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं अलग अलग जोन के। यहाँ पे जोन चेंज करने के लिए लेफ्ट और राइट एरो से जोन चेंज करो और उस जोन का हम डिफरेंट कलर सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी कलर करना हो कीबोर्ड का तो वो कस्टमाइजेशन ऑन द कीबोर्ड ही हो जाएगी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई रोल ही नहीं है। और जब सॉफ्टवेयर की इतनी बात करी ली तो जरा सॉफ्टवेयर पे भी नजर मार लेते हैं। यहाँ पे जो माउस का कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, यहाँ पे फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर हमारे को मिलेगा जैसा नॉर्मली कॉस्मिक बाइट के माउस के साथ मिलता है। यहाँ पे जो हमारे बटन वगैरह है वो कस्टमाइजेबल हमारे को मिलते हैं, उसके ऊपर हमारे कोई एक्शन लगाना हो, कोई मैक्रो लगानी हो, कोई शॉर्टकट लगाना हो या इवन कोई मीडिया कंट्रोल लगाना हो वो हम माउस पे लगा सकते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे को प्रोफाइल्स वगैरह मिल जाएंगी एंड यहाँ पे हमारे को ऊपर मैक्रो मिल जाता है, आप अपनी मैक्रो बना सकते हो। परफॉर्मेंस सेक्शन में जाओगे तो माउस की सेंसिटिविटी, स्क्रॉल स्पीड, डबल क्लिक स्पीड, पोलिंग रेट यहाँ पे सेटअप कर सकते हो एंड DPI के ऊपर आपको कलर्स वगैरह सेटअप करने वो भी हो जाएंगे। एंड लास्टली आता है हमारा बैकलाइट का ऑप्शन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकलाइट के इफेक्ट्स हैं एंड आप चाहो तो LEDs की ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे कीबोर्ड का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाता है और कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर हमारे को डेडिकेटेड सेपरेट मिलेगा। यहाँ पे ऊपर मैक्रो का फीचर हमारे को मिलता है, कोई भी कीबोर्ड की के ऊपर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप मैक्रो सेटअप कर सकते हो, उसमें सिंगल की हो गया, मीडिया की हो गया, फंक्शन की हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे को मिल जाएंगे। उसके बाद LED वाला ऑप्शन मिलेगा, LED के इफेक्ट्स वगैरह हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे एंड ब्राइटनेस स्पीड मिल जाएगा। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, अगर कुछ गलत हो जाता है यहाँ पे रिस्टोर आप दबा सकते हो। तो भाई ये था मेरी तरफ से कॉस्मिक बाइट ड्रैगन फ्लाई कॉम्बो का पूरा रिव्यू। ये कॉम्बो आपको आज की रेट में 1399 का मिल जाएगा एंड 1399 के हिसाब से एंट्री लेवल आपको कीबोर्ड माउस का कॉम्बो चाहिए। ज्यादा बजट नहीं है, PC बिल्ड करते हो या लैपटॉप बाय करते हो आपका बजट एग्जॉस्ट हो चुका है और आपको अपने सेटअप के लिए सुंदर सा कॉम्बो चाहिए विद टन्स ऑफ फीचर्स, तो ये ऑप्शन आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपका बजट ज्यादा है, मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है, माउस इससे अच्छा लेना है, कॉस्मिक बाइट के भी और ऑप्शंस है जो हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखे हैं, सारे आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कीबोर्ड माउस की। जैसा आपका बजट वैसी चीज आप चूज करो। और ये कॉम्बो आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।